हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मीठी कोकी। ये सिंधी लोगों की फेमस रेसिपी है। मीठी कोकी को स्पेशली थदड़ी पर बनाया जाता है, जो कि सिंधी लोगों का फेस्टिवल होता है। इस सिंधी कोकी को बनाते समय मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है वो शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। मीठी कोकी बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 छोटी कटोरी चीनी ली है। आप चीनी के साथ यहाँ गुड़ को भी डाल सकते हैं, पर मैं मीठी कोकी बिना गुड़ के बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ चीनी ले रही हूँ। मैंने यहाँ 5 कटोरी चीनी ले ली है, तो इसमें अभी मैं पानी को ऐड करूँगी। तो यहाँ हमें पानी को ज़्यादा नहीं डालना है, बस चीनी के थोड़ा सा ऊपर तक पानी आ जाए, इतना ही हमें पानी इसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। इसे मैं 7 से 8 घंटे के लिए भिगो के रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे थोड़ा गर्म करके भी रख सकते हैं, ताकि चीनी जल्दी से पिघल जाए, पर याद रखें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ये चाशनी बन जाएगी। मैं इसे यहाँ बिना गर्म किए ही 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख रही हूँ। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ चीनी पिघल गई है। यहाँ मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसमें हमारी 4 से 5 मीठी कोकी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच खोपरा, 3 इलायची जिसे मैंने कूट लिया है। इन सबको अच्छे से मिला लेना है। यहाँ मैं 3 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाना है। आप चाहे तो यहाँ घी के जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या आधा ऑयल और आधा घी भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो आपको मैं यहाँ एक टिप्स बताना चाहूँगी कि घी जो हमने डाला है ये सही मात्रा में डाला है या नहीं, इसे चेक करने के लिए मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ इस तरह से आप मुट्ठी बना लीजिए। अगर ये टूट नहीं रहा तो घी इसमें सही मात्रा में डाला हुआ है, और अगर ये टूट जाए तो इसमें आप और घी ऐड कर दीजिए। अगर आप इसमें घी या ऑयल कम डालेंगे तो ये मीठी कोकी अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेगी। घी डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम चीनी का सिरप ऐड करेंगे। हमें इसमें पूरा चीनी का सिरप ऐड नहीं करना है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम चीनी का सिरप ऐड करेंगे, ताकि जो आटा हम गूँथ रहे हैं वो गीला ना हो, क्योंकि अगर आटा गीला हो गया तो जो मीठी कोकी का हमें टेक्सचर चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। थोड़ा चीनी का सिरप ऐड करके मैं यहाँ भी आटा गूंथना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें चीनी का सिरप डालते जाना है और आटा गूंथते जाना है। तो मैंने यहाँ पूरा चीनी का सिरप डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और इस आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी। आप देख सकते हो यहाँ मैं टाइट आटा गूँथ रही हूँ। मैंने यहाँ आटे को अच्छे से गूँथ लिया है, फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी यहाँ मैं आटे की लोई बना रही हूँ। यहाँ पे मैं राउंड और फ्लैट करके इस तरह से आटे को शेप दे रही हूँ।
जब इस लोई को हम बनाएंगे तो इसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अगर इसमें कोई क्रैक रह गया तो लोई को जब हम बेलेंगे तो ये बीच में से टूटने लगेगा। तो यहाँ मैंने लोई बना ली है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। अब इसी तरह मैं आपको दूसरी लोई बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह मैंने सारी लोई तैयार कर ली है। यहाँ पे अब मैं इसे बेल रही हूँ। बेलते समय यहाँ हमें सूखे आटे का यूज़ नहीं करना है, इसे ऐसे ही बेलना है। और बेलते समय इसके साइड से यहाँ पे क्रैक्स आएंगे तो इसे चिपकाते जाना है। मीठी कोकी की खासियत ही यही है कि जब हम इसे बेलते हैं तो इसके साइड से क्रैक्स आते हैं। और इसे बेलते समय कहीं से मोटा और कहीं से पतला इस तरह से नहीं बेलना है, इसे हमें सारे तरफ से बराबर बेलना है। मैंने इसे यहाँ अच्छे से बेल लिया है। इस तरह से हमें यहाँ से मोटा ही बेलना है, इसे मोटा बेला जाता है इसलिए इसे कोकी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मीठा बनाया है इसलिए इसे मीठी कोकी बोलते हैं। इसी तरह नमकीन कोकी भी होती है, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। मैं यहाँ दूसरी लोई भी आपको बेल के दिखा रही हूँ। ये देखिए दूसरी लोई को भी मैंने अच्छे से बेल लिया है। गैस को ऑन करके मैंने यहाँ तवा रखा है और उसके ऊपर मैंने घी लगा लिया है। घी को मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लगाया है ताकि कोकी नीचे से चिपके ना। गैस के फ्लेम को हमने हाई रखा है ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। जब हम कोकी को तवे के ऊपर डालेंगे तो हमें गैस के फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही इसे सेकना है। अगर हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे तो मीठी कोकी अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से बीच बीच में कोकी को चलाते रहेंगे ताकि ये सारे तरफ से अच्छे से सिक जाए। थोड़ी देर हो चुकी है तो अभी मैं इसे पलट दे रही हूँ। इसे पलटते समय थोड़ा ध्यान से पलटें वरना ये टूट सकती है। पलटने के बाद इसके ऊपर से और इसके साइड से मैं घी लगा रही हूँ ताकि कोकी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। आप चाहे तो घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। इसे मैं फिर से पलट दूंगी। आप देख सकते हैं साइड से भी कोकी अच्छे से सिक रही है। इसे इसी तरह लो फ्लेम पर सेकना है ताकि मीठी कोकी अंदर से कच्ची ना रहे। मीठी कोकी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। तो इसे मैं निकाल लूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनी है। इसी तरह से मैं दूसरी कोकी भी बना लूंगी। और याद रखें जब आप कोकी को बना लेंगे तो इसे एक के ऊपर एक मत रखना जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते। अगर गरम गरम में ही आप इसे एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगी। आप मीठी कोकी को मेरे तरीके से बनाकर देखिए, ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इस मीठी कोकी को आप अचार के साथ या मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। उसी तरह से मैंने ये दूसरी कोकी भी बना ली है और सारी मीठी कोकी यहाँ बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।